बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अदालती हुक्म इम्तनाई खोवा खाते हुक्मरान अवारियों को असातज़ा भर्ती करने पर मैसर। मौजूदा हुकूमत बज़ाहिर मेरिट का राह गलामती है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। हुकूमत बाज रहे वरना तोहीन अदालत के बायस अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। अवामी हल्के रियासत के तशख्स और इसकी वहादत को शदीद खतरात लाक हैं। फदा के यानी भारत ने अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर गुज़िश्ता 73 सालों से कश्मीरियों की आज़ादी को सलूब कर रखा है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म फारूक हैदर खान इस वक्त कश्मीरी अवाम के तशख्स की मौसर आवाज़ हैं। वफद से गुफ्तगू। भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर बारे पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। सदर आज़ाद कश्मीर, भारत एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है जबकि 9 लाख फौज की मदद से मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी और हक खुद इरादियत की जदोजहद करने वाले कश्मीरी अवाम अपने शहरी हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। सरदार मसूद। मीरपुर में जदीद सहूलतों से रास्ता मनसूबे माल ऑफ मीरपुर का संग बुनियाद रख दिया गया। जलजला प्रूफ 5 मंजिला स्टेट ऑफ द आर्ट्स वसी वारज इमारत में एक छत तले बैन अवी मीयार की सहूलियतें मुहैया होंगी। तारकिन वतन भी अपने शहर मनी लंदन में माल में शौक से विजिट करके अपनी जरूरियात को पूरा कर सकेंगे। आफज सजात सलीमी। तनवीर अलियास की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, रवायती सियासत को दफन करने पर इत्तफाक। आपके मतारक होने से तहरीक को अवामी सतह पर पेजराई में इजाफा हो रहा है। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, जल्द ही अवामी मकबूलियत के आमल अफराद तहरीक में शामिल होकर तहरीक की कुव्वत का बाइस बनेंगे। मावन खसूसी वजीर आला पंजाब। वफाक कश्मीर बारे फैसला करने से पहले कश्मीरियों को एतमाद में ले, फारूक हैदर। पाकिस्तान की सलामती हमारे लिए एक सबसे अहम। मुस्तकीम खुशहाल पाकिस्तान ही हमारा बेहतरीन वकील साबित हो सकता है। हिंदुस्तान के साथ तजारत की बहाली का फैसला हमारे लिए तशवीश का बायस है। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर। तहरीक लबैक तमाम बरादरियों का खूबसूरत गुलदस्ता है। चौधरी अब्दुल अजीज। बरादरी अजम का प्रचार करने वाले अवामी अदालत में पेश होने से शर्मसार हैं। हम रवादारी वाजियादारी की सियासत के कायल हैं। खड़ी के अवाम अपने साथ होने वाले ज्यादतियों का अजाला करने के लिए हमारा साथ दे। मुतासरीन जल्जला को औलाद के रहम व करम पर क्यों छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। वायरस से बचने का वाहिद हल एहतियात है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, अवाम SOPs पर अमल दरामद करना ना छोड़े और रोज़मर्रा जिंदगी के मामलों में एहतियात बरते और अपने घरों से जितना हो सके बाहर कम निकले। हम सबको एहसास जिम्मेदारी का सबूत देना होगा और अपने प्यारों की जिंदगी को महफूज बनाना होगा। बदर मुनीर। मसला कश्मीर के हल तक भारत के साथ तजारत नहीं होगी, इमरान खान।
कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दिए बगैर भारत से तलकात बहाल नहीं हो सकते। इजलास में भारत से कपास और चीनी दरामद से मतलब समरी की मंजूरी पर बातचीत की गई। हुकूमत के मरोजा कवायद के मुताबिक ECC में मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया जाता है। मुख्तलिफ शोबों की सहूलतकारी के लिए दरामदात के मुतबादल ज़राए फौरी तलाश किए जाएँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत। असेंबली इजलास आज़ाद कश्मीर के तीनों कॉलेजेस में 15 इजाफी नशस्तें हासिल कर ली। वजीर कानून MDA में 4 सालों में सिर्फ 409 अदद अलाइटमेंट्स और एडजस्टमेंट्स हुई, जबकि 2 मायदा जाट्स लीज जारी हुई। अब्दुल माजिद खान वजीर आजम के हुक्म पर बल्दिया की अलाइटमेंट्स और न ही री अलाइटमेंट्स एडजस्टमेंट्स की है। सरदार फारूक अहमद तायर